बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। पंचायत चुनाव 11 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा और अंतिम और 11वें चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा। 24 अगस्त को सरकार इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बता दें कि 29 सितंबर को दूसरा चरण, 8 अक्टूबर को तीसरा, 20 अक्टूबर को चौथा चरण का चुनाव होगा। इसके अलावा 24 अक्टूबर को पांचवा, 3 नवंबर को छठा, 15 नवंबर को सातवां और 24 नवंबर को आठवें चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 29 नवंबर को नौवें चरण का, 8 दिसंबर को दसवें, 12 दिसंबर को 11वें चरण की वोटिंग कराई जाएगी। तो बिहार में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और 24 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इसके अलावा 29 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को तीसरे चरण की होनी है। कुल 11 चरण में मतदान होना है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को चौथे चरण की वोटिंग कराई जाएगी, 24 अक्टूबर को पांचवें चरण की वोटिंग कराई जाएगी। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि 24 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। तो आपको बता दें बिहार में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव कुल 11 चरण में होगा और इसको हम आपको बता दें डेट वाइज कि कब किस चरण की वोटिंग होगी। तो 24 सितंबर को पहले चरण का होना है, वहीं 11वें और अंतिम चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा। इसके अलावा इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है वो 24 अगस्त को सरकार जारी करेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से रितेश लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कब नोटिफिकेशन जारी होना है, क्या कुछ आपके पास इसको लेकर पूरी जानकारी है? जी पलक, अब पंचायत चुनाव पे जो भी संशय के बादल थे वो कल कैबिनेट की बैठक में छंट गए। ये स्पष्ट हो गया कि पंचायत चुनाव जो है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है, वो 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक संपन्न होंगे। सबसे बड़ी बात है कि 24 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फिर पंचायत चुनाव का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। उससे पहले अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर दें तो लगातार राज्य निर्वाचन आयोग अलग अलग जिलों के जो भी निर्वाचन पदाधिकारी थे, इसके अलावा जो भी जिला प्रशासन डीएम थे, उन तमाम लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग हो रही थी और ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि एक तरफ तो कोरोना का खतरा है, दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका से बिहार में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव कराने के लिए क्या प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है, पूरी मॉनिटरिंग की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कई दफे इस पर मीटिंग दर मीटिंग की और उसके बाद अनुशंसा राज्य सरकार को भेजा गया। कल शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो कुल 11 चरणों में संपन्न होगा। सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोगों की सबसे ज्यादा इस पर नजर थी। इसके अलावा जो मुखिया, जो भी लोग जो पंचायत चुनाव में शरीक होने वाले हैं, तमाम लोगों की इस पर पैनी निगाह थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर कोरोना का खतरा नहीं रहता तो ये जो चुनाव है ये जून में ही संपन्न हो जाता, लेकिन उस समय कोरोना पीक पर था, लिहाजा राज्य सरकार ने इसके डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया था। सबसे बड़ी बात पलक मैं ये बता दूं कि दक्षिण बिहार में पहले चरण में जो जितने भी चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसको संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाके जो बुरी तरीके से, जो 15 जिले हैं बिहार के जो बाढ़ से प्रभावित हैं, वहां पर बाद के चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यानी पूरी तरीके से रणनीति के साथ पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव में इस बार लोगों को एक नया एहसास होगा। एहसास ये होगा कि पहले अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न कराए जाते थे, लेकिन इस बार कुल 6 पद हैं पंचायत चुनाव के, जहां पर 4 पदों के लिए तो ईवीएम से वोटिंग होगी, लेकिन जो 2 पद हैं पंच और सरपंच के, वहां पर पुराने ही तरीके से यानी बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव कराए जाएंगे। कुल 8000 मुखिया के पद हैं, 8000 सरपंच के पद हैं और सबसे ज्यादा अगर पदों की बात करें तो वार्ड के जो पंच होते हैं और इसके अलावा वार्ड के जो सदस्य होते हैं, 1,12,000 तकरीबन इनकी संख्या है। इन पदों पर चुनाव संपन्न कराने
कराना होगा। और जाहिर सी बात है कि प्रशासन के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का खतरा अभी भी बिहार से गया नहीं है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाढ़ की विभीषिका से 15 जिले जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव कराना, जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया है, जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो चुका है। अब देखिए कि गाँवों में और जहां भी ये चुनाव होने वाले हैं वहां भी अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लंबे समय से जो जनप्रतिनिधि थे, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि थे, वो इस उम्मीद में थे क्योंकि अब उन्होंने काम कर दिया है, अब रिजल्ट देने की बारी है। जनता भी तैयार बैठी हुई है, जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं या पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने काम किया होगा वो तो जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, लेकिन जिन्होंने अगर काम नहीं किया होगा तो उसके लिए जनता के पास इस बार बड़ा मौका है। बिल्कुल रितेश, आपने कहा जिस तरीके से कि अब बिहार में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है पंचायत चुनाव का, लेकिन बिहार के सामने फिलहाल दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो कोरोना भी गया नहीं है, दूसरी बात बाढ़। तो इन दोनों को लेकर आयोग के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है चुनाव कराना फिलहाल। जी, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से अप्रैल से लेकर मई तक, अगर 2016 की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, तो उस समय 24 अप्रैल से 30 मई तक पंचायत चुनाव जो है वो कुल 10 चरणों में संपन्न हुए थे, लेकिन कोरोना एन वक्त पर आ गया, पीक पर था, लिहाजा राज्य सरकार ने जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के बाबत पंचायत चुनाव के डेट को एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन लगातार गांव के जो लोग हैं उनकी भी नजर थी, इसके अलावा जो भी जनप्रतिनिधि जो पंचायत चुनाव में शरीक होने वाले हैं उनकी भी इस पर नजर थी कि आखिर कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब पंचायत चुनाव का रास्ता जो है वो साफ होगा। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये अब साफ हो गया है, अब गांवों में चुनाव की तैयारियां जो है वो जोर शोर से होंगी, 24 अगस्त से इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो जाहिर सी बात है कि गांवों में अब एक उल्लास का माहौल है, क्योंकि पंचायत की बात करें तो पंचायत जो है वो लोकतंत्र का एक तरह से बेस है, लोकतंत्र की एक तरह से उसे जननी कहा जाता है, और गांवों का विकास जो होता है वो पंचायत के जरिए ही होता है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव का टलना बेहद निराशाजनक था जनप्रतिनिधियों के लिए भी और गांव के लोगों के लिए भी, लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है, जाहिर सी बात है कि विकास को भी और गति मिलेगी, क्योंकि मुखिया चुनाव टलने की वजह से जो भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे पंच की बात कर लें, सरपंच की बात कर लें, मुखिया की बात कर लें, इसके अलावा वार्ड सदस्यों की बात कर लें, उनके अधिकार छीन लिए गए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है, और सबसे जो बड़ी बात है, नल जल योजना की बात कर लें, गाँव में लाइटिंग की बात कर लें, या गाँव की जो भी विकास की जो योजनाएं होती हैं उसका सारा खाका जो होता है वो पंचायत के जनप्रतिनिधि यानी जो मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वही लोग तैयार करते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब पंचायत चुनाव में अगर विलंब हो रहा था तो विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए गाँव में उस पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा था। अब ऐसे में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव का रास्ता तो साफ हो गया है। बिल्कुल, लेकिन लोग भी खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव का रास्ता तो साफ हो गया है रितेश, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव होनी है, वोटिंग होनी है, लेकिन इस दौरान देखा जाता है लोग थोड़े से लापरवाह हो गए हैं अब, लेकिन उन सब चीजों का ध्यान रखना भी इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा पलक आपने, क्योंकि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, और इसी वजह से अगर देखा जाए तो कुल 11 चरणों में जो है पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, और तकरीबन आप देखिए कि कितना लंबा समय है, 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक ये चुनाव जो हैं वो संपन्न कराए जाएंगे, यानी लगभग आप देख काउंट करेंगी तो लगभग 2.5 महीने चुनाव का समय है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में प्रशासन को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और
सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं उन तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए उनके मद्देनजर चुनाव को संपन्न कराया जा सकता है। क्योंकि 2016 की ही बात कर लें तो कुल 10 चरण में चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन 24 अप्रैल से 30 मई के बीच चुनाव संपन्न करा लिए गए थे। तकरीबन एक महीने के अंदर उस समय चुनाव संपन्न हो गए थे, लेकिन कोरोना के मद्देनजर और बाढ़ की विभीषिका से जिस तरीके से लोग दो चार हो रहे हैं उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार पंचायत चुनाव को लगभग 2.5 महीने का समय दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उन तमाम चीजों का बखूबी पालन हो सकेगा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ले या क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ में बहुत सारे स्कूल जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं, सड़कें टूट गई है, तो वहां पर भी चुनाव बिल्कुल रितेश, तो बाढ़ के साथ साथ कोरोना दोनों दोहरी मार बिहार झेल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।